हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं गई थी जयपुर, तो मैंने कुछ शॉपिंग की थी मिंत्रा से, बिकॉज जयपुर जाने के लिए ना कुछ ऐसे आपको कलरफुल कुछ इंडो वेस्टर्न कपड़े चाहिए, तो मैंने सोचा शॉपिंग की जाए, बिकॉज वहाँ पर ना काफ़ी सारे फोर्ट हैं एंड काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, तो उसके लिए कुछ मैंने उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग की थी जयपुर के लिए मिंत्रा से। तो कुछ मैंने मिंत्रा से शॉपिंग की थी एंड मैंने कुछ दिल्ली की जो स्ट्रीट मार्केट होती है वहाँ से शॉपिंग की थी, तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स को जो मेरे आउटफिट थे वो काफी पसंद आए, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं शॉर्ट्स वगैरह में। तो यही सब होगा, लिंक सारे प्रोडक्ट के आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप वीडियो आपको पसंद आए ना, आपके लिए हेल्पफुल रहे, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। वे स्टार्ट करते हैं वीडियो। है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट परचेज किए हैं जो काफी ज्यादा यूजफुल हो, लाइक ऐसे नहीं कि मैंने एक बार पहन लिया और एक वेकेशन मेरा हो गया एंड वो फिर खराब हो जाए, नहीं, मैंने कुछ ऐसे लिया है जिसको मैं अलग अलग तरह से उनको और भी रियूज कर सकूं और पैसा वेस्ट ना हो। तो अगर आप वेकेशन पे जाने का सोच रहे हैं तो उस कुछ इस टाइप का जरूर परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट में जो आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं बहुत यूज कर रहा है मैंने उसको वहां पे। तो फर्स्ट में जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये मल्टी कलर में श्रग। Look at this, ये बहुत कॉमन है, आपको मिल जाएगा मिंत्रा पे, लेकिन ये इतना सही लगा ना वहां पे, मैंने इसको पहना था एक टैंक टॉप के साथ और साथ में मॉम जीन्स के साथ। आप इसको शॉर्ट्स के साथ भी वियर कर सकते हैं, इवन अपनी कोई आपके पास प्लेन कुर्ती हो ना तो उसके साथ इसको यूज कर सकते हैं, अपनी प्लेन साड़ी के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको शिफॉन में मिल जाता है जिसमें काफी सारे कलर है, ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, एंड इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, इसमें काफी सारे शेड्स भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने कुछ मल्टी कलर में लिया। इस टाइप का श्रग आलिया भट्ट ने ना केसरिया गाने में पहना है, आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। जो उसका ब्रांड है वो है सेरा, और मैंने जो साइज मंगाया, साइज मेंशन नहीं है, बट शायद आई थिंक जो उसमें साइज था वो स्मॉल था। यहां पर आपको वेस्ट पे ऐसे डोरी मिल जाएगी जिसको आप अपने अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हैं, यहाँ पे वेस्ट पे आप इसको नोट करके पहन सकते हैं, आप इसको खोल के पहन सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको वियर कर सकते हैं। एक सब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो भी बहुत ही ज्यादा क्लासी एंड काफी प्रिटी सी ड्रेस है, ये आपको मिल जाती है ब्लू कलर में, एंड इस पे आपको ऐसे पूरे पे प्रिंट मिल जाएगा, यहाँ पर आप आपको ऐसे इलास्टिक की डिटेलिंग मिल जाती है, टू यहाँ पे ऐसे स्ट्रेप दी हुई है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर ना इलास्टिक की डिटेलिंग है जो ये स्टेप है, और इसकी लेंथ मेरे को ऑलमोस्ट एंकल लेंथ तक आई है। आप इसको स्नीकर्स वगैरह के साथ पहनेंगे तो काफी अच्छी लगेगी। इसका जो फैब्रिक मिल जाता है वो है जॉर्जेट में, अंदर से इसमें आपको लाइनिंग मिल जाएगी, लाइनिंग जो है वो आपको हौजरी लाइक कौन सा टाइप का होता है वो जो लाइक उस फैब्रिक को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या फैब्रिक बोलते हैं, उस टाइप का इसमें आपको लाइनिंग मिल जाती है, और आगे ना जो ये वाला एरिया है इसमें आपको नीचे लाइनिंग मिलेगी, लेकिन आगे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आगे पीछे, इसमें आपको लाइनिंग नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, वैसा नहीं है, काफी सुंदर ड्रेस है। यहाँ पे जो ऐसे इलास्टिक की डिटेलिंग है ना उसकी वजह से जो इसकी फिटिंग वगैरह आई है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट शेयर करने से पहले आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ मामा अर्थ के स्किन केयर प्रोडक्ट जो मेरे को उन्होंने लास्ट मंथ सेंड किए थे, काफी टाइम से मैं उसको यूज कर रही हूँ, एंड देन मैंने सोचा अब उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो मैं आज प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये टू मामा अर्थ के प्रोडक्ट। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ राइस का यूज किया है, लाइक मैं आज तक कभी मैंने राइस वाटर से रिलेटेड कुछ स्किन केयर नहीं यूज किया, एंड मेरे को ये काफी पसंद आया। फर्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है मामाअर्थ राइस फेस वॉश विद राइस वाटर एंड नियासिनेमाइड फॉर ग्लास स्किन, एंड सेकंड है मामाअर्थ राइस डे क्रीम विद राइस वाटर एंड नियासिनेमाइड फॉर ग्लास स्किन। दोनों जो प्रोडक्ट है मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। ये वाला जो फेस वॉश है अच्छे से पूरा स्किन को एकदम लाइक एक बार आप यूज करोगे ना तो फेस काफी ज्यादा क्लीन क्लीन हो जाता है। अभी गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा स्टिकी एंड काफी चिपचिपा सा रहता है फेस, अगर आप इसको यूज करते हैं तो उसके बाद स्किन काफी ज्यादा एकदम फ्रेश एंड काफी साफ साफ से एकदम फील होती है। राइस वाटर स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है एंड ग्लो बिल्कुल भी नहीं रहा है तो आप राइस वाटर वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको क्रीम मिल जाती है, ये क्रीम काफी ज्यादा अच्छी है, एंड आप सभी को पता होगा जो मामाअर्थ के प्रोडक्ट हैं वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, पैराबेन सल्फेट फ्री होते हैं ऑल स्किन टाइप के लिए,
हैं ये वाले प्रोडक्ट, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। इन ये वाले जो प्रोडक्ट है आपको नाइका पर, पॉपअप पर, अमेजोन पर, इवन आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा। इन मामाअर्थ की ऐप भी है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कब सेल आने वाली है, क्या सेल आने वाली है, वो भी चीज सब आपको पता लग जाएगी। जो ऐप का लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और आपको थोड़ा सा ऑफर और दे देती हूँ, अगर आप ये वाले प्रोडक्ट परचेज करते हैं वेबसाइट से और मेरा कूपन कोड यूज करते हैं शिल्पी 2022, तो आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ भी मिलेगा। और मामाअर्थ से जब आप ऑर्डर करते हो ना, तो आपके ऑर्डर को प्लांट से कनेक्ट कर देते हैं, सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, कौन सा प्लांट लगाया है, कहाँ प्लांट लगाया है, वो सब आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। तो मामाअर्थ जितना स्किन के लिए अच्छा है, उतना अच्छा एनवायरमेंट के लिए भी है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। सब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये ब्लैक कलर की मैक्सी ड्रेस। ये वाली ड्रेस गलती से मम्मी के पास चली गई है, मेरठ, तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन पिक्चर एंड वीडियोस मैं साइड में एंड यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। इसका जो ब्रांड था वो था बैरी लश, एंड इसमें का लुक इतना ज्यादा प्रिटी है, आप देखिए। ये पूरा ऐसे फ्लॉयल एंड मिल जाती है, बट मेरे को थोड़ा सा नीचे से लंबी आ रही थी, लाइक पूरा नीचे तक जा रहा था। एंड इसका जो स्लिट है, ये जो इस साइड वाला शोल्डर का डिजाइन है ना, ये काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा था। इसमें जो मेरा साइज है वो था स्मॉल, हल्का सा मेरे को टाइट आ रहा था यहाँ से, लेकिन अगर मैं इसका मीडियम साइज पिक करती ना, तो फिर ऐसा होता कि बहुत लूज हो जाता है, मेरे जो चेस्ट एरिया उस पर नहीं रहता। लेकिन इसका जो साइड वाला पोर्शन है ना, जो ये ऑफ शोल्डर से दिया हुआ है, काफी सुंदर है। इसका जो ये जो देखने में ब्लैक लग रही है, ब्लैक नहीं है, कुछ आपको ब्लू कलर में छोटे छोटे से फ्लावर प्रिंट की डिटेलिंग मिल जाती है। और जैसे ये मैंने वन शोल्डर में लिया है ना, वैसे कुछ आपको ऐसे हॉल्टर नेक टाइप का भी है, मैं साइड में मेंशन करूंगी। अभी मैंने एक बार देखा था मिंत्रा पे कुछ वैसा, तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका फैब्रिक जो है क्रेप में है, इतना सुंदर, इतनी फ्लोई ड्रेस है, बहुत ही प्रिटी है। आप वेकेशन के लिए पहन सकते हैं, इवन कहीं अगर आपकी न्यूली ब्राइड है ना, आप हनीमून पे जा रहे हैं, कुछ ऐसी आपको ड्रेस चाहिए, तो उसके लिए भी आप कुछ इस टाइप की ड्रेस देख सकते हैं, काफी सुंदर लगे। नेक्स्ट अब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने परचेज किया है वो है ये ब्रालेट ब्लू कलर की। ऐसे आपको ये नूडल स्ट्रिप मिल जाती है, साइड साथ में ये पैडेड आपको मिल जाती है। एंड इसका जो मटेरियल है ना, वो स्ट्रेचेबल है, तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। इसमें कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। अभी मैंने जो श्रक के साथ अपना ये ब्रालेट पहनी हुई है, वो यही वाली ब्रालेट है, काफी कंफर्टेबल है। एंड इवन आप उसको अपने लाइक कोई भी प्लेन शर्ट के साथ ऐसे ऊपर क्रॉप्ड भी पहन सकते हैं, अगर आप ऐसे नूडल स्ट्रिप नहीं पहनते हैं, एंड काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल भी है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ वो है क्लासिक पीस, जो गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है हमेशा के लिए। वो है ये एक सॉलिड में ब्लैक शर्ट। ऐसी शर्ट अगर आपकी वार्डरोब में है ना, तो आपका ना लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। आप अपनी जीन्स, शॉर्ट, स्कर्ट किसी के साथ भी उसको वियर कर सकते हैं, बिल्कुल सॉलिड में है। इसका मटेरियल काफी अच्छा है, पूरा फ्लोई फ्लोई सा इसका मटेरियल मिल जाता है। एंड मैंने इसको नोट करके पहना था, मैं जब हवा महल गई थी तब मैंने इस वाली शर्ट को पहना था अपने कलरफुल स्कर्ट के साथ, काफी प्रिटी। आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये स्कर्ट। ये मैं अभी पहाड़गंज मार्केट गई थी, दिल्ली में एक मार्केट है, वहां से मैंने कुछ ये कलरफुल सी स्कर्ट परचेज की है। इसमें क्या है ना, छोटे छोटे से ऐसे पीसेस हैं, उसको जॉइंट करके ये पूरी स्कर्ट को बना रखा है। ये वाली मैंने स्कर्ट आई थिंक 200 रुपीज में परचेज की है, 200 रुपीज में मुझे काफी सही लगी है, बिकॉज में आप कलर देख सकते हैं कितने सारे, काफी प्रिटी सी ये ड्रेस है। ऐसे छोटे छोटे से इसमें आपको फैब्रिक की डिटेलिंग मिल जाती है, ऐसे ब्लॉक ब्लॉक करके पूरे में फैब्रिक है। एंड यहाँ पर ऐसे इलास्टिक की डिटेलिंग है, स्ट्रिंग मिल जाती है नोट करने के लिए, अंदर से इसमें ऐसे लाइक लाइनिंग भी है। तो इस टाइप के जो आपको ड्रेसेस है ना, लाइक बोहेमियन ड्रेसेस जो है ना, वो पहाड़गंज की मार्केट में आपको काफी सारी मिल जाएगी। मुझे काफी पसंद आई थी, बिकॉज मुझे लग रहा था इस वाली मैं स्कर्ट को बहुत यूज कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको परचेज किया। तो ये था सारा कलेक्शन जो मैंने मिंत्रा से मंगाया जयपुर के लिए। कुछ इस टाइप से भी आप आउटफिट ले सकते हैं अगर आप कहीं वेकेशन पे जाने का प्लान कर रहे हो, और कोई भी जो मैंने आज आपके साथ ड्रेसेस शेयर किए वो शॉर्ट नहीं है जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो। सारी ड्रेसेस ऐसी है, काफी प्रिटी है, काफी कंफर्टेबल है, एंड साथ ही साथ अफोर्डेबल भी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल रही हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कॉमेंट करके बताना कि आपको समय से सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा। वीडियो ओके मैंने बोल दिया है, तो मिलती है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।